सोर्सेज की माने तो पॉपुलर डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के विनर बने हैं फैजल खान। महाराणा प्रताप फेम फैजल ने शमिता शेट्टी और सनाया को मात देते हुए ये ट्रॉफी अपने नाम की, जिसकी अनाउंसमेंट संडे नाइट को की जाएगी। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण पहुंची मुंबई के एक थिएटर, जहां उनके दोस्त इरफान ने अपनी फिल्म तलवार की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी, वो भी सिर्फ दीपिका के लिए। इरफान अपने बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं जा पाए, पर डायरेक्टर मेघना गुलजार, विशाल भारद्वाज और दूसरे टीम मेंबर्स ने डिप्स को कंपनी दी। आई थिंक इट इज अ फिल्म दैट एवरीवन्स टॉकिंग अबाउट एंड ऑफ कोर्स इट्स गॉट फैंटास्टिक रिव्यूज। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मुंबई में फिल्म फेस्टिवल देखने को मिलने वाला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फिल्म फेस्टिवल की ट्रॉफी को अनवील किया गया। यहाँ मौजूद डायरेक्टर किरण राव ने फिल्म फेस्ट से जुड़ी हुई बातें तो की, पर सलमान और आमिर की अनबन के सवाल को हंसकर टाल दिया। मामी गोइंग द डिस्टेंस एंड क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर फिल्म मेकर्स टू बी एबल टू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूट देयर फिल्म्स। मामी प्रेस कॉन्फ्रेंस गॉसिप सेशन। परसेप मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ शैलेंद्र सिंह ने अपनी स्टार मेकर मैगजीन लॉन्च की। उन्हें सपोर्ट करने कई बॉलीवुड सेलेब्स भी पहुंचे। ये तो वाकई स्टार मेकर है और उन्होंने सिर्फ मुझे नहीं लॉन्च किया, बहुत सारे लोगों को लॉन्च किया। हमेशा अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने वाले क्रिकेटर MS धोनी बायोपिक फिल्म में अपनी रोमांटिक और मशी इमेज को लेकर खुश नहीं है। मूवी के डायरेक्टर नीरज पांडे उनके पर्सनल रिलेशन को अलग अंदाज में दिखाने जा रहे हैं। हॉलीवुड फिल्म द वॉक की मुंबई में एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहां फिल्म इंडस्ट्री के कई डायरेक्टर्स के साथ टीवी के कलाकार भी नजर आए। वॉक जो डायरेक्टर है रॉबर्ट ज़िमेकिस, मैं बड़ा फैन हूं उनका, बहुत इसकी तारीफ है पिक्चर की, उत्साहित हूं सब लोग की तरह यहां पे और डेफिनेटली पिक्चर देखना चाहूंगा। हॉलीवुड स्टार ह्यू जैकमैन ने शाहरुख खान से डांस मूव सीखे, जिन्हें वो अपनी अपकमिंग फिल्म पैन में करते दिखाई देंगे। खुद ह्यू जैकमैन ने इस सीक्रेट को डिस्क्लोज किया और कहा कि उनकी फिल्म में वही इंडियन कलर एंड फ्लेवर नजर आएगा जो उन्होंने राजस्थान और दिल्ली में देखा था। बॉलीवुड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कीप वॉचिंग दैनिक भास्कर .com।